वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही थी, डेली शूट। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर निकला जाए। तो मेरे साथ के मेंबर्स जैसे हैं अदीप शाह, तैयब, शाहजेब और बैक दी कैमरा सुहेल भाई भी हैं। तो हमने प्लान किया, किधर का प्लान किया वैसे हमने? हमने किया फोर्ट मंडू का। हमने कहा कि वन डे ट्रिप करें, आगे इंशाल्लाह हमने नारायण कान का भी करना है, वो थोड़ा सा हमारा एक डेढ़ हफ्ते का ट्रिप होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना बीच में वन डे ट्रिप कर लिया जाए। सो हम आज निकले हैं फोर्ट मंडरू के लिए। वैसे तो अगर मैं बात करूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है जाने का, तो तैयब भाई होके आ चुके हैं, तो ये रिव्यू भी देंगे कि कैसा है वहाँ पे। बाकी मजीद हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी। जी तो तैयब भाई कैसा? जी तैयब भाई सिर्फ इतना कहें कि यार फोर्ट मंडरू वैसे मैंने जहाँ सुना था कि यार ये पंजाब का मरी है, तो जब मैं गया वाकई ऐसा ही है कि वो पंजाब का मरी है। बड़ी ठंडी जगह है वहाँ पर, मतलब। अब खैर हम जाएंगे तो तभी मालूम होगा। वैसे तो शाहजेब भाई भी होके आ चुके हैं, तो हम जाएंगे आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद ही आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी आप भी ज़रूर जाएं, बिजी रूटीन से निकलें और ज़रा घूम फिर के आएँ, तो हम भी घूमने फिरने भाई। चलो चलो बैकअप फिर चलें, हम चलते हैं। दोस्तों हम नाश्ता कर चुके हैं। हम पहले निकले थे भौलपुर से, तो रास्ते में मुश्तरका आता है, लेकिन मुश्तरका बंद था। फिर हम निकले आगे, यहाँ पे एक नवाब होटल आया, वो भी बंद था। फिर उसके बाद हम पहुँचे बिल्ले के डेरे पे, तो ये लोग खाना शाना खा के रेडी हो चुके हैं आगे के लिए। ये देखें डकारे इनकी सुन रहे हैं। तो बाकी ये कौन सी जगह है यार अतीब? ये चनाब से पहले आता है बिल्ले का डेरा, बहुत अच्छा होटल है यहाँ पे, यहाँ का नाश्ता बहुत ही अच्छा है। तो हमने यहाँ से नाश्ता किया, अब हमने आगे निकलना है फोर्ट मंडू के लिए। अच्छा, तो कितना खाया आपने और कैसा खाना था? इतना अच्छा था कि चले कड़वे से। आए हाय हाय हाय, नहीं अच्छा था, अच्छा था। ये ऐसे वैसे ऐसी हरकतें कर जाता है, कैसा है तू, अजीब सा है तू। तो अच्छा नाश्ता था बहुत। अब यहाँ से हमने निकलना है आगे मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ से आगे डेरा गाजी खान सखी सरवर, और फिर हम फोर्ट मंडू पहुंचेंगे इंशाल्लाह डेढ़ घंटे में। चलें जी आगे के शॉट्स आपको दिखाते रहेंगे, इसी के साथ हम चलते हैं आगे। जी आपने स्टील ब्रिज के नज़ारे कर लिए हैं। खैर हम अभी भी आगे को निकले जा रहे हैं, तो सफ़र अभी हमारा रवा दवा है। तकरीबन कितना किलोमीटर रहता है आगे? तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर आगे फोर्ट मंडरू। फोर्ट मंडरू 4-5 किलोमीटर आगे है, और यहाँ के जो नज़ारे हैं बहु रामी किस्म के हैं, और टॉप पे जब जाएंगे तभी मालूम होगा क्या है। लेकिन ये जो दो बंदे पीछे बैठे हैं शाहजेब और तैयब, आपको नजर नहीं आ रहे, अंधेरे में बैठे हैं। वैसे भी काले हैं। आज हमने ब्लैक ड्रेसेस पहने हुए हैं, तो एक हमारा बंदा जो है उसने बेवफाई की है, सुहेल भाई ने, वो चूना पहना है। उन्होंने वाइट पहन लिया है, पता नहीं क्या सोच के पहना है। खैर आगे चलेंगे, आपको आगे की सीन दिखाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं फोर्ट मंडरू के जो टॉप पॉइंट है उधर आर्चर्ड अनारी। आप भी अगर आएँ तो इस जगह पे ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर फोर्ट मंडरू आ गए तो ऐसी जगह पे ना आए तो फिर फ़ायदा ही क्या है। खैर हम मज़ीद आगे जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो आगे नहीं जा सकेगी, रास्ता उस तरह का है, पथरीला रास्ता है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि रास्ते पर भी ज़रा तवज्जो दें, चाहे टिकट ही रख दें तो बंदा आगे तक तो जाए, एक नेचुरल जो ब्यूटी है वो भी देख के आए। खैर ये पंजाब का एक मरी कह लें, आप व्यू चेक कर लें पीछे कैसा व्यू है। वो हमारी टीम जा रही है, मैं रह गया हूँ पीछे, तो मैं भी उनके पास पहुँचता हूँ। जी तो मैं पहुँच चुका हूँ अपनी टीम, अपनी फैमिली की तरफ, तो इनसे पूछते हैं डाढ़ो मजा आयो। डाढ़ो मजो आयो। हाँ भाई पीछे वालो डिकार पड़े। ये देखें जी, ये पता नहीं बंदा वहाँ पे क्या ढूंढता फिर रहा है। ये नहीं नहीं डिकार नहीं, ये कहता है कि यहाँ पे खजाने बड़े छुपे हुए हैं फोर्ट मंडरू में, पुराने जो यहाँ पे कोई अंग्रेज था मंडरू नाम का। खैर उसके अबाउट अगर डिटेल मुझे मिली तो मैं आपको जरूर दूंगा। अरे सूसू करने गया था साइड पे, झूठ बोल रहा है। अच्छा देख लें कितने बेहया है, हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको खराब कर रहे हैं। भाईजान पौधे उगाने जा रहा हूँ मैं, जड़ी बूटियां उगेंगी। आपको पीछे भी वॉशरूम मिला था, आप उधर जड़ी बूटियां नहीं उग सकती थी। चलो अच्छी बात है,
भाई जी भाई आप देखें ये व्यू, ओ हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें इस तरफ जाना चाहिए। ये देखें जी, ये हमारे बैग से बादल गुजर रहे हैं। मेरा मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ से मैं इकट्ठे करूँ और बहावलपुर ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे अगर बादल आते भी हैं इस तरह उड़ ही जाते हैं। बाय दी वे, ये हैं तैयब रियाज, टीआरबी फैमिली। यार हम दोनों गुम हो गए हैं यहाँ पे, ये देखें हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। इस गोला पे आके खो गए हैं। अब हम कैसे यहाँ से जाएं आगे, यहाँ पे नहीं समझ आवे, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है, यहाँ पे कोई हमारा ऐसा फैन भी नहीं है जो कि हमें रास्ता बता दे। अच्छा मजे की बात, हमें अभी फैन भी मिला। हाँ एक नहीं मिला, दो मिले हैं। एक बच्चे ने हमें बुलाया, उसके बाद एक हॉस्पिटल में शायद हम गए थे, हॉस्पिटल में गए थे, खैर हुआ तो कुछ नहीं था, हम वैसे गए थे तो वहाँ पे भी एक साहब मिले थे। अदरवाइज आप लोगों का प्यार है, पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपकी तरफ से मिलेगा और मिलता रहेगा इंशाल्लाह। हेलो गाइस, इस वक्त हम ऊपर चढ़े हैं, सांस फूल चुका है बिल्कुल, हमारा हालत हालत टाइट हुई पड़ी है, बस हो गई है यार। असल में अभी यहाँ पे ठंड भी है, आई थिंक यहाँ गर्मी हो तो फिर तो वैसे आई थिंक शहरोज हमें दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। चले जिम खुल गई है। हाँ चले जी, ये देखें ये शाहजेब सोहेल एंड वेयर इज अतीफ शाह। अतीफ शाह आपका लोग पूछ रहे हैं बहुत किल्लत से। किल्लत यार ये वर्ड आगे पीछे कर जाते हैं तो आपने माइंड नहीं करना, माइंड नहीं करना, ये सिर्फ शुक्र होता है। जी तो आज के व्लॉग में हमने जो सीखा, हमने ये सीखा कि हमें अपने बिजी रूटीन से निकलना भी चाहिए और अपने आप को टाइम देना चाहिए। और अभी मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ दोस्त अदीप शाह भी फरमा रहे थे कि हम यहाँ पे आके ठहर के अगर महसूस करें एक सुकून को, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून हमें यहाँ पे मिलता है, सारी टेंशनों को हम यहाँ पे आके भूल जाते हैं। बाकी आप भी इस तरफ को जरूर आएं और इस तरह की जगह जरूर विजिट करें। स्ट्रेस रिलीफ होती है, स्ट्रेस रिलीफ बिल्कुल। और हमने ये सीखा कि हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी हमारे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं, आपका इलाका भी खूबसूरत है, आप अपने इलाके को भी देखें, उधर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। बाय द वे आप अपने जो एरिया है उसको भी मेंशन करें, हो सकता है कि नेक्स्ट टूर हम आपकी तरफ लगाएं। तो हमारे बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए तो काइंडली वो साफ सफाई सुथराई का ख्याल रखें, जो भी चीज़ खाएं पिए अपने साथ रखें, किसी शॉपर में डाल के बेशक वापस किसी बिन में आप जाके ना। वैसे तैयब एक आपस की बात है, मैं आपकी तारीफ नहीं करूँगा, जितनी बार भी तैयब मेरे साथ होता है ये मैसेज भी देता है, और दूसरी बात ये कि ये डस्टबिन में फेंक रहा होता है, हम भी इसे कह रहे होते हैं यार कोई देख तो नहीं रहा। हमें ये खुद एहसास करना चाहिए, ना कि दूसरों को बस मैसेज ही देते रहे। मुझे अपने अंदर भी चेंज लाना चाहिए, आपको भी अपने अंदर चेंज लेना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब हम सब का ये काम है कि हमें अपने मुल्क को साफ रखना है। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं इसी तरह हमें अपने मुल्क अपने वतन को साफ रखना चाहिए। और मैं व्लॉगिंग के हवाले से कहता जाऊँ कि हम अब व्लॉगिंग पे भी स्विच करेंगे, हम निकलते होते हैं अक्सर अपने सिटी में भी निकलते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो हम वहाँ के भी व्लॉग शूट करेंगे। ये हमारे अभी स्टार्टिंग के व्लॉग्स हैं तो आपको ये भी पसंद आएंगे, आगे आगे चल के हम इम्प्रूव भी करेंगे। तो आप जरूर देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मजीद ऐसी वीडियोस के लिए। इसी के साथ हम चाहेंगे इजाजत के लिए, पीस आउट अल्लाह हाफिज़।